नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राहुल शर्मा, राहुल शर्मा क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। क्या सभी बच्चों को मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार रेस्पॉन्स करके बताइएगा। क्या सभी बच्चों को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार रेस्पॉन्स करके बताइएगा। रोहित सिकरवार धौलपुर वाले, राम राम बेटा। सूर्यांश वशिष्ठ, क्या सभी बच्चों को मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? प्रिंस कुमार बिहार से, देखो मैं आपको सबको पहचानता हूं, बहुत दिनों के बाद ये क्लास हमारा लाइव हुआ है आज, राइट? काफी समय बाद ये क्लास मेरी लाइव आई है और YouTube पर हम लोगों ने एनडी के लिए क्लास स्टार्ट किया है और आज हमारा पहला लेक्चर है। टॉपिक्स का नाम है डिटरमिनेंट। जल्दी से जल्दी पहले इस वीडियो को शेयर मार दो और मुझे ये रेस्पॉन्स करके बताओ कि मेरा ऑडियो और वीडियो ओके है। अभी तक आपका रेस्पॉन्स नहीं आया, अभी तक आपका रेस्पॉन्स नहीं आया कि मेरा ऑडियो वीडियो एकदम ओके है क्या? हाँ बेटा, सारे बच्चे बताइए, क्लियर है? नीरज ठाकुर, पीके राज, ओके बेटा। तो एक बार सारे के सारे बच्चों से पहले मेरा विनम्र निवेदन है और क्षमा प्रार्थना है कि कई दिनों के बाद क्लास हुआ है, लगातार मेरा क्लास नहीं हो पाया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि YouTube पर आपके साथ एक अलग एनर्जी के साथ काम करेंगे और बाकी सारी बातें धीरे धीरे आपके साथ हम शेयर करते जाएंगे। एग्जाम्स एनडीए का हमारा अप्रैल में है और हमारे पास अभी काफी टाइम है, लगभग देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 50 दिन के आसपास का टाइम कुछ रहेगा। अगर मैं राउंड ऑफ करूं से तो लगभग 50 दिन के आसपास का टाइम हमारे पास में है और इन 50 दिनों के अंदर हम लोग एनडीए के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्टेंट आपके लिए डिलीवर करने वाले हैं। इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात है एनडीए का जो एग्जाम्स होता है ना, ये एग्जाम्स एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है और इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपका बेस अच्छा है, उसके साथ में आपका कंसेप्ट मिलेगा और बेस और कंसेप्ट, अगर मैं आपसे बोलना चाहूं तो करीबन 40% बेस मैटर करता है और 60% आपका कंसेप्ट, तब जाके आप 100% एग्जाम्स को बीट कर पाते हैं। अगर आपका कोई भी चीज यहां पर वीक रहेगा तो एग्जाम्स निकालने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहां पर जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपने बेसिक्स पर ध्यान दीजिएगा और जिन जिन बच्चों ने बेसिक्स पर ध्यान दिया है उनके लिए कोई टेंशन होने वाली नहीं है। जरूरी सूचना आपके लिए बेटाओ कि देखो, अगर अभी अग्निवीर का एग्जाम्स जो हुआ था उसका रिजल्ट आया और एयरफोर्स एक्स में जो कट ऑफ गया वो 39.5 समथिंग गया और 70 में से 39.5, यानी कि एवरेज तौर पर आप देखा जाए तो 13 से 14 नंबर का एवरेज एक सब्जेक्ट में आया, 25 में से 13-14 नंबर जिन बच्चों के आ गए होंगे वो बच्चा इस एग्जाम्स में सेलेक्ट हो गया होगा। तो बहुत टेंशन की आवश्यकता नहीं है, जो जो बच्चा मेरी तैयारी के साथ अपना दिमाग तोड़ के चलेगा उसके लिए एग्जाम्स निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी भी तरह की दुविधा नहीं होगी। तो ध्यान रखें, जिस एग्जाम्स को निकालना है उसके लिए आपके लिए पहले बेसिक्स प्लस आपका कंसेप्ट बहुत बहुत जरूरी है। आशा है कि आप सभी लोगों ने वीडियो शेयर कर दिया होगा। यस, हाँ बेटा, तो चलो अभी हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नीरज ठाकुर कह रहे हैं सर कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ बता दीजिए। बेटा आप क्लास डेली चलेगी तो रोज बातें करेंगे आप लोगों से और आज थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर देते हैं, बाकी बातें धीरे धीरे करते रहेंगे सारे के सारे प्यारे बच्चों से। एक बार हाजिरी लगाओ, नारायण हिंद और एनडीए के सवालों के साथ शुरुआत करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। चलो भाई, आज की क्लास में सबसे पहले हम
चैप्टर का नाम समझ लें। हमारे चैप्टर का पहला दिन है और इसका नाम है डिटरमिनेंट। इस टॉपिक्स को हम लोग बेटा हिंदी में सारणिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सारणिक। तो चैप्टर का नाम लगा दीजिए पहले तो फटाफट जल्दी से। टॉपिक्स का नाम है आपका सारणिक। और अब यहां से शुरुआत होती है हमारे सबसे पहले टॉपिक्स की। और वो सबसे पहला टॉपिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो आपके पास वर्ग मैट्रिक्स होती है, इसे हम कहते हैं बेटा सारणिक, अर्थात जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर होते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम आपको देना चाहें, ए यहां पर आप सपोज करेंगे 3, 2, यहां पर 7, यहां पर आपका 8। तो आपके सामने ये जो बना हुआ है बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं रो। क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग रो बोलते हैं। और ये जो आपके सामने होता है इस तरह का, इसे बोलते हैं हम लोग कॉलम। हिंदी में से पंक्ति कहते हैं और इसे कहते हैं हम लोग बेटा स्तंभ। इसके बाद हमारा एक शब्द आता है जिसका नाम होता है बेटा ऑर्डर। ऑर्डर लिखने का तरीका होता है मेरे बच्चों रो बाई कॉलम। अब इसके अंदर एक एक दो तो रो आ रही हैं, एक और एक दो कॉलम आ रहे हैं, इसे लिखा जाएगा 2x2 का मैट्रिक्स होगा और इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ऐसा ही क्वेश्चन आपका 3x3 का होता है। आप एक बार बेसिक्स नोट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है बेटा, बिल्कुल जीरो लेवल से हमने टॉपिक को स्टार्ट किया है। ओके, शाबाश 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 शाबाश। ये हो गया तुम्हारा 2x2 का क्वेश्चन। और 2x2 के सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आओ जरा एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। बताओ सबसे पहले आपके पास 2x2 का सवाल कैसा होगा? लाइक 3, यहां पर आपका 2, यहां पर आपका 4, यहां पर आपका 5। ऐसे सॉल्व करते हैं सवाल को, आओ देखो जरा। सॉल्व करने का तरीका होता है फाइंड डिटरमिनेंट। अगर हम यहां से फाइंड करना चाहते हैं बेटा, क्या आएगा मेरा ऐसे करके, हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे 15 और माइनस आएगा तुम्हारा 8, ये बनेगा तुम्हारा 7। ये है 2x2 को सॉल्व करने का तरीका। यानी कि पहले ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, माइनस लगा के क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 2x2 को सॉल्व करने का तरीका है। अब रहा सवाल 3x3 को सॉल्व करने का, वो प्रोसेस क्या होती है उसको एक बार देख लीजिएगा। यहां आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, यहां आपके क्वेश्चन आ रहा है 1, 2, 3, यहां पर 2, 4 और 5, यहां पर 1, 7 और यहां पर मान लीजिए आपका 8। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। हम ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है? यहां पर लगाते हैं प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस लगाते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, देखो जरा ध्यान से। ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, यहां पर आएगा तुम्हारा 1। फिर क्या करते हैं, 1 जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाते हैं, जिस रो में आता है उस रो को दबाते हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा है। तो 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 32 और 7 × 35, 32 − 35 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 3 और इसे हम यहां से अब हटा देंगे। ऐसे ही हम लिखेंगे यहां पर फिर माइनस का 2 और इसके बाद
माइनस का टू जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाएंगे, जिस रो में आता है बेटा रो को दबाएंगे राजा। और इसके बाद क्या करेंगे, आठ दुनी सोलह और पांच एकम पांच, सोलह माइनस के पांच करेंगे ये आ जाएगा तुम्हारा ग्यारह। इसके बाद हम इसे हटा देते हैं। फिर थ्री जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाएंगे, जिस रो में आता है रो को दबाएंगे, और यहां से कहानी क्या बनेगी उसको हम लोग सुनेंगे। ये बन के आएगा तुम्हारा सात दुनी चौदह माइनस का चार, और ये बनेगा तुम्हारा दस। सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा तुम्हारा माइनस का थ्री, और ये बनेगा माइनस का बाईस, और ये बनेगा तुम्हारा प्लस का तीस बनेगा। यहां से सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा तुम्हारा माइनस का पच्चीस तीस, एंड आंसर आ जाएगा तुम्हारा फाइव, क्वेश्चन खत्म। मैंने आपको टू बाई टू को सॉल्व करना सिखाया और मैंने आपको थ्री बाई थ्री को सॉल्व करना सिखाया राजा, ये आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। और पेशेंस रखें, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं सवालों को, आप एक बार इसे नोट करिएगा तब आगे बढ़ते हैं। फास्ट 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 रोहित सिकरवार, रोहित सिकरवार कैसे गलत कर रहा है बच्चा? बहुत आसानी से सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है। चलेगा, अब आपके पास एक और कहानी बनती है, एक और एग्जांपल्स। यहां पर आपके पास थ्री टू, यहां पर आपका फोर टू, यहां पर फाइव, यहां पर फोर, यहां पर वन, यहां पर थ्री, यहां पर टू, यहां पर। सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस माइनस और प्लस। थ्री जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को दबाते हैं, जिस रो में आता है रो को दबाते हैं, और इसके बाद यहां पर आ जाएगा बेटा फोर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, थ्री जिस कॉलम में आएगा कॉलम को दबाएंगे, लो जी सर कॉलम को दबा लिया रो को दबा लिया, क्या दिखाई दे रहा है आपका, दो पंजे दस माइनस का बारह, दस माइनस का बारह कितना बनेगा आपका माइनस का दो। चलते हैं आप लोग आगे, यहां से आ जाइए। इसके बाद ये जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है दबा लीजिए, क्या दिखाई दे रहा है बेटा, टू वन फोर टू, चार माइनस का चार करेंगे ये आपका जीरो हो जाएगा और कहानी हो जाएगी खत्म यहां से इसकी। अगले सवाल पर आते हैं, यहां पर आ रहा है चार तुम्हारा, तो छह माइनस का पांच करेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा एक आ जाएगा। माइनस का छह प्लस का चार, इट विल बी माइनस का टू, एंड क्वेश्चन इज ओवर। आशा करता हूं बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बड़े प्यार से इस सवाल को हम हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले यहां तक क्लियर है आप लोग, सबसे पहले आप यहां तक क्लियर हैं, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी टॉपिक शुरुआत हुआ है तुम्हारा, अभी टॉपिक तुम्हारा शुरुआत हुआ है बेटा, विक्रम प्रताप शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस तरह के सवालों को जब आपने समझ लिया तो कहानी आगे बढ़ती है और उसको समझने का प्रयास करो। ये जो आपका होता है इसे हम पर रो कहते हैं, ये जो आपका होता है इसे अपन कॉलम कहते हैं। पहले बेसिक्स पर ध्यान देना, बेसिक्स पर मेरा तरीका समझ लो, जैसे ही मेरे बेसिक्स खत्म होंगे, जैसे ही मेरे बेसिक्स खत्म होंगे, आपके सामने जो क्वेश्चनों की बौछार होगी वो डायरेक्ट यूपीएससी एनडीए की होगी, डायरेक्ट यूपीएससी एनडीए की होगी। अभी हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं, जिन बच्चों का बेस अच्छा नहीं है बाबू उनका बेस अच्छा कर रहे हैं, और बेस अच्छा होते ही आपके सामने एक से एक बेहतरीन सवाल, देखो सामने ये सब सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आपके सामने आने वाले हैं थोड़े टाइम के बाद, मगर पहले अपने बेसिक्स को अच्छा कर लो जिससे आपका काम आसान हो जाए। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको आनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर वन पढ़िएगा, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो सारणी का मान शून्य हो जाता है, और इसी बात को हम आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं। यहां पर आपका जीरो, यहां पर आपका जीरो, यहां पर आपका जीरो, यहां पर आपका थ्री, यहां पर आपका टू, यहां पर आपका सेवन, वन सेवन, यहां पर आपका नाइन आ रहा है। क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है,
यदि किसी सारणि की किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ आ जाता है, डायरेक्ट आंसर जीरो हो जाएगा। यदि उसके सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, जीरो होंगे। यही बात अंग्रेजी में है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो। तो या तो पूरी की पूरी रो हो तब भी जीरो आएगा, या फिर आपका कॉलम होगा तब भी जीरो आएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल आपके सामने हम और दे रहे हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा जीरो। जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा, हो बहुत प्यार से सेंटेंस नोट कर लो, जो भाई हिंदी वाला हो हिंदी में और अंग्रेजी वाला हो अंग्रेजी में। फटाफट फटाफट विक्रम प्रताप कह रहे हैं सर प्लीज ट्रिक से बता देना। बेटा अभी प्रॉपर्टी चल रही है, सवाल तो चालू ही नहीं किए बाबू। रिलैक्स, डोंट वरी फॉर दिस, ओके। पहले आप मेरी क्लास को पूरा पढ़ के देखो एक दो दिन, शायद आप हमसे नए नए जुड़े हो। ओके, क्लियर है पहला प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो याद कर लो, कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा रो जीरो हो या पूरा का पूरा कॉलम जीरो हो, डायरेक्ट आंसर जीरो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 है, बेहद आसान बेहद इंटरेस्टिंग। एक बार सारे के सारे बच्चे पढ़िएगा, एक बार सारे के सारे बच्चे पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ समान होते हैं तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। पढ़े जरा, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान होते हैं तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। इफ टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। इसका एग्जाम्पल पकड़ में आएगा तुम्हारे अभी। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास में है, यहां पर आपका 1 2 3, यहां भी आपका 1 2 3, यहां 7 8 और 9 आपके पास में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है यहां पर आपका 7 8 9, यहां भी आपका 7 8 9, और यहां पर 3 7 एंड यहां पर आपका 11 है। क्लास फोकस करे बोर्ड पर, पहले लिखने का काम पहले नहीं, पहले समझने का काम करो। बेसिक्स अच्छा हो जाएगा, अप्रोच अपने आप धुआं धुआं हो जाएंगे। एक बार आप यहां देखो जरा, पहला रो 1 2 3 है और दूसरा रो 1 2 3 है, दोनों रो सेम है। किसी क्वेश्चन के अंदर दोनों रो सेम हो जाएं, किसी क्वेश्चन के अंदर दोनों रो सेम हो जाएं, पलक झपकते ही सवाल का आंसर जीरो कर देना। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहला कॉलम देखो बाबू, पहला कॉलम दूसरा कॉलम सेम है, डायरेक्ट आंसर जीरो हो जाएगा राजा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट बहुत अच्छा बेटा। प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है आप सभी की? बच्चाओ शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। विक्रम प्रताप कह रहे हैं सर मैं आप पर टोटली डिपेंड हूं, मेरे बेटे भरोसा रख और मेरे साथ काम कर, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली मेरे बच्चा। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा आराम से, उम्मीद करता हूं यहां तक आप एकदम एग्री हैं, सहमत हैं। अगली प्रॉपर्टी आपके सामने आने वाली है, इसको पढ़ने का प्रयास करिए, इसको पढ़ने का प्रयास करिए। अगली प्रॉपर्टी क्या है, पढ़िए सारे बच्चे। अगली प्रॉपर्टी आपके सामने कहती है, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। किसी सारणिक के पंक्तियों और स्तंभों को आपस में अगर बदल दें तो सारणिक का मान समान रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई क्वेश्चन है,
यहां पर आपका 3, यहां पर आपका 2, यहां पर आपका 4, यहां पर आपका 5। अब एक तरह ये मानो कि इसका जो रो है उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं कॉलम में। इसका मतलब है जो आपका रो है उसे क्या बना देता हूं, कॉलम। रो ऐसे होता है, कॉलम ऐसे बन गया। रो ऐसे होता है, कॉलम ऐसे बन गया। तो जैसे ही मैंने इसका ऐसा किया तो मैंने क्या देखा, जो 3, 2 ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा 4 और 5 और ये मेरा वापस मैट्रिक्स ए आ गया। मैं आपके सामने एग्जांपल देना चाहता हूं इसका डिटरमिनेंट। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस का 8 कितना आया 7। यहां देखो ध्यान से जरा, इसका भी आंसर कितना आएगा 15 माइनस का 8 कितना आंसर आया 7। इसका मतलब ये हुआ सभी की सभी रो अगर आपने कॉलम में कन्वर्ट कर दी तो आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये एग्जांपल नोट करो फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे सभी के सभी शेयर एक एक बार वीडियो को शेयर मारते जाएं। सूर्यांश वशिष्ठ, बहुत अच्छा बेटा हो, चलते हैं आगे। तो ये प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया, एग्जांपल्स आपने नोट कर लिया। मैं बढ़ने वाला हूं आगे की तरफ नए क्वेश्चन के साथ। अगली प्रॉपर्टी को हम एक बार देखते हैं। किसी सारणी की दो क्रमागत पंक्तियों अथवा स्तंभों को एक दूसरे से बदलने पर प्राप्त सारणी का मान मूल सारणी के मान का ऋणात्मक होता है। इसी बात को अंग्रेजी में कहें, If any two adjacent rows or columns are interchanged, then the new determinant is negative of original determinant. Examples क्या है वो सुनो। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। सपोज करो इसको सॉल्व करने पर तुम्हारा X आता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं क्या करता हूं, जो आपका सेकंड वाला कॉलम है इसे फर्स्ट वाले के जगह और जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसे सेकंड वाले के जगह, जो सेकंड वाला कॉलम है उसे फर्स्ट वाले के जगह, जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसे सेकंड वाले के जगह अगर मैंने यहां पर रख दिया तो कहानी क्या बनेगी। B1, B2, B3, A1, A2, A3, C1, C2, C3। जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो एक्चुअली आएगा बेटा माइनस का एक्स। ये सवाल कहना चाहता है, तो दो लगातार पंक्तियां अथवा दो लगातार स्तंभों को चेंज कर दिया जाए, when two adjacent columns and two adjacent rows are interchanged, the value of determinant will be negative. इसे नोट करो फटाफट जल्दी से। शाबाश, धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाएंगे। आज काफी टाइम के बाद क्लास हम लोगों ने YouTube पे लाइव किया है, इसलिए आप लोग संख्या में थोड़ा कम है। आप सब लोग धीरे धीरे करके कुछ दिनों में जुड़ जाएंगे तो क्लासेस भी हमारी कंटिन्यू बनी रहेंगे आपके लिए, चलेगा। बहुत अच्छा बेटा रोहित सिकरवार, चलो बेटा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको मैंने पढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ये सर आपको याद हो गई, हमें यहां पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, है ना। एक और चीज जो मुझे आपको समझानी है उसको देखो जरा। इसके अंदर एक खास चीज होती है, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल आपका A1, A2 और A3, यहां पर आता है लैम्डा B1, लैम्डा B2, लैम्डा B3, यहां पर C1, C2 और C3 आता है। अगर कोई क्वेश्चन आपके पास में ऐसा है और ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या देखा, ये लैम्डा पहले कॉलम में नहीं आ रहा,
लैम्डा तीसरे कॉलम में नहीं आ रहा, लैम्डा केवल दूसरे कॉलम में आ रहा है। अब लैम्डा केवल दूसरे कॉलम में आ रहा है तो दूसरे कॉलम के अंदर से लैम्डा को हम कॉमन ले सकते हैं, दूसरे केवल सेकंड कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। व्हिच मींस मेरा मतलब ये है कि हम किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो हम ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई डिटरमिनेंट है तो हम उसके कॉलम में से लैम्डा को कॉमन ले सकते हैं। अब लैम्डा जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो लैम्डा तो यहां आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा ए वन ए टू और ए थ्री, बी वन बी टू और बी थ्री, सी वन सी टू और सी थ्री। हम किसी भी कंडीशन में कॉमन ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि अगर आपका लैम्डा पहली रो में आ गया होता, पहली रो में आ गया होता, मान लो लैम्डा बी वन लैम्डा सी वन, मान लो सेकंड में भी आ गया होता और थर्ड में भी आ गया होता, तो ऐसी कंडीशन में आप पहली रो से लैम्डा कॉमन लेंगे, सेकंड से भी लेंगे, थर्ड से भी लेंगे, तो सवाल फिर आपका ये बन जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री और यहां पर सी वन सी टू और सी थ्री। लैम्डा लैम्डा तीन बार आएगा तो हम यहां सिर से लिख सकते हैं बेटा लैम्डा का होल क्यूब। क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल बेसिक्स है। इससे नीचे और बेसिक्स क्या हो सकता है, सब कुछ मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, नासा के वैज्ञानिक न बने, क्योंकि आपके बेसिक्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स क्लास के लिए हो जाएगी। हाँ बताओ जल्दी फटाफट, कॉलम और रो में से कॉमन लेना सभी को आ गया? कॉलम्स और रो में से सभी को कॉमन लेना आ गया। प्रॉपर्टीज आप सब लोगों की क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया बेटा। चलिए वक्त मिलते ही वीडियोस को शेयर जरूर मारते जाएं, वक्त मिलते ही वीडियोस को शेयर जरूर मारते जाएं। शाबाश। अब आपके साथ हम तमाम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, आओ जरा पहल करते हैं क्वेश्चनों की। अब कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बची हैं, उनको आपको मैं एक बार यहां चर्चा और कर देता हूं। अब यहां पर अगर गौर करें, सपोज करिएगा यहां पर आपका ए वन ए टू और ए थ्री, यहां पर आपका प्लस का एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड, ये है तुम्हारा बी वन बी टू और बी थ्री, ये है तुम्हारा सी वन सी टू और सी थ्री। अगर ऐसा कोई आपके पास में मैट्रिक्स है, याद रहे मैंने सबसे पहले बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा सुनो, अब क्या होगा बेटाओ, हम इसे दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। नंबर एक ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू और सी थ्री। पहली बार में आप इसके एक्स वाई जेड को भूल जाइएगा और फिर जब आप इसे हटा देते हैं तो प्लस का साइन लगाओ और उसके बाद अगली बार में आप इस टुकड़े को भूल जाओ और यहां पर आएगा तुम्हारा एक्स वाई जेड, बी वन बी टू और बी थ्री, सी वन सी टू और सी थ्री। ये कहानी बनेगी, तो ये क्वेश्चन दो क्वेश्चनों में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। फटाफट नोट करिएगा, आगे बढ़ने वाले हम लोग, फटाफट जल्दी। तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी आपकी समाप्त हो गई। अब आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस प्रीत चौधरी कह रहे हैं, प्रीत चौधरी कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम है, सारी दम लगा देना और कुछ को हम जगाएंगे कुछ को तुम जगा देना, है ना भाई, तेरे शेर को पूरा कर दिया मैंने। चलो बढ़े आगे। प्रिंस कुमार, चलो बेटाओ बहुत बढ़िया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे बेटे जिनका बेसिक्स अच्छा नहीं था उन्होंने ध्यान से चीजों को समझा होगा,
सोचा होगा, जाना होगा और सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैंने क्लियर कर दी। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरा काम यह है कि एक्चुअल में जो क्वेश्चंस एनडीए पूछता है वो किस तरह के सवाल पूछता है वो आपके साथ रूबरू कराने वाला हूं। मेरे बच्चों आज आपका पहला सवाल आपके सामने टाइप वन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है। मेरा क्लास का पढ़ाने का एक स्टाइल है, मैं बिल्कुल टाइप वाइज कराता हूं और टाइप वन है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। जो जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है अभी अभी उन्हीं पर आधारित सवाल है। तो आप हैडिंग लगा देना टाइप वन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस, टाइप वन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। यस प्लीज मेक द हैडिंग प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ भैया चलो अब जरा सुन लो, अब सुन लो जरा ध्यान से। सबसे पहले टर्म्स आ रहा है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स पर आधारित यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं आइए जरा आपको समझाते हैं। यहां आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, अगर किसी मैट्रिक्स में A1, A2 और A3, यहां पर B1 और B2 और B3, C1, C2 और C3, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, अगर इसका सारणिक का मान 0 आ जाता है, उसे कहते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। एक बार सारे के सारे बच्चे से नोट करेंगे, उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारणिक का मान 0 होता है बेटा। राहुल सोलंकी लव यू बेटा, चलेगा बहुत अच्छा बेटा। बस आप प्यार से देखते रहिए, मोहब्बत के साथ पढ़ते रहिए और ये क्लासेस को लाइव ही देखना। सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसे कहते हैं, जिसके सारणिक का मान 0 होता है। जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, इट इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। सर क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में वो आप बताइएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने 2021 यूपीएससी का पूछा गया। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आप लोग सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे, X130011X4, दिस इज द क्वेश्चन। एक बार सभी बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि क्वेश्चंस आपसे कहना क्या चाहता है, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं। अब एक बात को समझ लो, इसके सारणिक की वैल्यू आपको पहले से 0 दे रखी है। सारणिक की वैल्यू अगर आपको 0 दे रखी है तो कॉमन सेंस की बात है ये मैट्रिक्स कैसा रहा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स रहा होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ रहा है, बहुत आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आएगा तुम्हारा प्लस, माइनस और प्लस आएगा। यहां पर मैं एक्स लूंगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आपका माइनस का एक्स आएगा, उसके बाद आपका माइनस का वन आ रहा है, तो ये आपका कितना 0 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा माइनस वन, और लास्ट में आपका प्लस का 3 आ रहा है। यहां से सोल्व करूंगा, ये भी 0, ये भी 0, ये बराबर आपका 0 हो गया। x का x में करेंगे, माइनस का x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहां जाएगा तो आपका वापस माइनस वन हो जाएगा, इससे कैंसिल, x आ गया तुम्हारा प्लस माइनस का वन, क्वेश्चन खत्म, यानी कि सी ऑप्शन इज ओवर। मैंने आपको चेक करा दिया कि सिंगुलर मैट्रिक्स का सवाल एनडीए कैसे पूछता है। कुछ भी नहीं करना था, सारणिक को सोल्व करना था, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बेहद खूबसूरती के साथ, बहुत बढ़िया। आप देखिएगा एनडीए 2021 के अंदर एक मैट्रिक्स का सवाल, खास तौर से स्क्वायर मैट्रिक्स का सवाल क्लियर हो गया।
सर न्यू बैच कब से आएगा? बेटा न्यू बैच कब से आएगा इसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और अगर आप इस क्लास के बाद लास्ट में हम एक मैसेज कन्वे करेंगे और उसमें आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बेटा राहुल सोलंकी आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कब बैच आ रहा है कब नहीं आ रहा है, ठीक है बेटा? ओके, तो आपने सवाल को समझ लिया और महसूस कर लिया कि कहानी सवाल की क्या है। अब आप देखिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स का सवाल आपके सामने मैंने कैसे रखा। सर आपने बताया था जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है उसका सारणिक का मान जीरो होता है, उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। बेहद आसान क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन चकमा देने वाले आते हैं। एक बार सवाल को पढ़िएगा, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के इज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। के कितने मानों के लिए, मानों के लिए सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने आपको समझाया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। क्वेश्चंस को नोट करेंगे सारे बच्चे, स्क्रीन पे से क्वेश्चंस कॉपी में नोट करा करो, पेन चलेगा, क्वेश्चंस की हेडिंग्स नोट करोगे तो ब्रेन में सवाल प्रोसेस होगा। जल्दी आंसर देने की जल्दी मत करा करो, क्वेश्चंस प्रॉपरली नोट किया करो, राइट? फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के इज द मैट्रिक्स, क्या कहानी होगी? बड़ा आसान सा सवाल है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं मेरे बच्चों। यहां देखो ध्यान से, क्योंकि इस मैट्रिक्स को मैं ए मान लेता हूं और इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो यहां पर आपका प्लस माइनस और यहां पर आपका प्लस आएगा। जीरो वाले को सॉल्व करके फायदा नहीं क्योंकि जीरो ही हो जाएगा, माइनस का के। जिस कॉलम को करेंगे कॉलम को दबाएंगे, रो को दबाएंगे, तो यहां से बनकर के आ जाएगा तुम्हारा के, ये तो आपका के बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस आपका माइनस का फाइव के हो जाएगा। और हम बात करते हैं प्लस का फोर, इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा तुम्हारा माइनस का के स्क्वायर, बाकी कहानी जीरो हो ही चुकी है। आसानी से मैंने बोल दिया कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो होगा। अब के में से माइनस का फोर फाइव के घटाएंगे तो माइनस का फोर के आएगा और ये बनेगा तुम्हारा फोर के स्क्वायर, माइनस का फोर के स्क्वायर बराबर आपका जीरो, इससे ये कट जाएगा, कितना आंसर आ गया जीरो। नाटक क्या है सर, हम तो यहाँ के का वैल्यू निकालने वाले थे, हम तो सवाल में के का वैल्यू निकालने वाले थे, यहां तो सवाल में के रहा ही नहीं। अब सोचो अगर तुमने 4 के स्क्वायर बराबर ये लिया, अब तुम यहां पर के बराबर 1 रखो तब भी कट के जीरो आना है, 2 रखो तब भी जीरो आना है, 3 रखो तब भी जीरो आना है, इसलिए इस सवाल के इनफाइनाइट आंसर होंगे। आपके कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि के तो सवाल में कटने वाला है, 4 के स्क्वायर और माइनस 4 के स्क्वायर, तो के आपका कुछ भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई क्वेश्चन इज ओवर। देख रहे हो मेरे भाई किस तरह सवाल पूछा जा रहा है एनडीए के द्वारा, आपके सामने है, जल्दी से नोट करिएगा, बढ़ने वाले हैं आगे के सवाल की तरफ। एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जिसका एग्जाम से ताल्लुक नहीं है, फटाफट नोट करो मेरे भाई, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोहित सिकरवार राइट आंसर है बेटा। राहुल सोलंकी राजा आपका गलत हो गया, राजा आपने बी ऑप्शन टिक कर दिया है। सारे के सारे बच्चे देखो जरा एक बार, कुछ बच्चे सी ऑप्शन बोल रहे हैं, हो सकता है आपका इंटरनेट स्लो है तो शायद किसी और सवाल का जवाब आप दे रहे हो। हाँ भाई जी, राहुल सोलंकी नाउ यू ओके, क्लियर है। आप देख रहे हो कि सिंगुलर मैट्रिक्स का सवाल एग्जामिनर कैसे पूछता है, और इसके बाद फिर से एक सवाल 2019 के अंदर आपके सामने आया है और यहां पर कहा गया है कि ये जीरो के बराबर है।
एक बार सवाल को पढ़िए, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस, एक्स का वह मान क्या होगा जो समीकरण को सेटिस्फाई करता है। कॉमन सेंस की बात है, ये जीरो तभी हो सकता है जब ये मैट्रिक्स कैसी रही होंगी आपकी सिंगुलर, एक स्टाइल के सवाल बता रहा हूं मेरे बच्चों आपको। क्वेश्चंस नोट करो, आंसर तेज देने की जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि आप सवाल ही नोट ना करें। फास्ट फास्ट फास्ट, वीडियो को शेयर मारते जाओ फटाफट बेटा जल्दी से। अब सारे के सारे बच्चे एक बार कॉपियां बंद कर लेंगे और हमारी बात को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, हमारे सवाल को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे जो हम आपसे कहना चाहते हैं। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, मैं कैमरे के सामने हूं और आप कैमरे के पीछे, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, जील, एंथुजियाज्म सब आपको मेंटेन करना है। आप जमाई ले रहे हैं, मैं देखने वाला नहीं हूं। आप फोन पर क्या देख रहे हैं, मैं देखने वाला नहीं हूं। आप बात कर रहे हैं, मैं देखने वाला नहीं हूं। आप हमारी क्लास के बीच में कोई ठुमका लगाने वाला वीडियो देख रहे हैं, मैं देखने वाला नहीं हूं। आपका डिसिप्लिन आपके लिए है, राइट? तो जब तक आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलाने वाला, ठीक है भाई? तो सीन ये है कि ये व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दैट, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बराबर है मेरे भाई जीरो के। यहां पर टाइपिंग एरर हो गया है, जीरो के बराबर है, ठीक है जी। सॉल्व कैसे करेंगे आओ जरा उसको देखें। यहां पर आपका प्लस, यहां पर आपका माइनस, यहां पर आपका प्लस, यहां पर आपका एक्स आ रहा है तो एक्स यहां पर आएगा, दबाएंगे एक्स को तो ये बनेगा तुम्हारा टू माइनस का वन, वन बचेगा जरूरत नहीं, माइनस जीरो आ रहा है लिखोगे नहीं, यहां पर आएगा तुम्हारा टू, टू आ रहा है तो सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा, टू एक्स माइनस का टू हो जाएगा, इट इज टू एक्स माइनस का टू। उसके बाद प्लस, यहां पर थ्री एक्स आ रही है तो प्लस थ्री एक्स, सॉल्व करेंगे टू माइनस का वन वन बनेगा, जीरो को सॉल्व नहीं करेंगे, प्लस माइनस और प्लस बनेगा, यहां पर टू वाले को सॉल्व करेंगे, टू वाले को सॉल्व करेंगे, ये बनेगा तुम्हारा ओनली एक्स स्क्वायर और ये बराबर है आपका जीरो के। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको समझाया था राजा, मैंने वही ट्राई किया है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको समझाया था राजा, मैंने वही ट्राई किया है और वो आपके सामने लगा दिया। और अब यहां से बिल्कुल बेसिक्स है, क्या हो जाएगा भैया, ये बनेगा तुम्हारा टू एक्स, यानी कि आपका एक तरह से फोर एक्स, हाँ तो ये तो बनेगा तुम्हारा टू एक्स स्क्वायर, और यहां से अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या बनेगा भैया तुम्हारा चार एक्स और एक पांच एक्स और तीन आठ एक्स, और ये बनेगा माइनस का चार बराबर आपका जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस आपका फोर एक्स माइनस आपका टू बराबर जीरो, ये क्वेश्चन बन के आ गई। इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप सबको पता होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप सबको पता होगा, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस, क्या होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस आपका फोर ए सी अपॉन होता है आपका टू ए। अब यहां से क्या कहानी बनेगी, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर और फोर ए सी करेंगे, सोलह चार दुनी आठ चौबीस हो जाएगा, चौबीस हो जाएगा, अपॉन में आएगा तुम्हारा टू ए। सोल्व करते हैं इसे अपन लोग, तो माइनस का चार प्लस माइनस ये बनेगा तुम्हारा टू रूट सिक्स, टू रूट सिक्स बनेगा और यहां से आएगा तुम्हारा टू, सोल्व कर देंगे माइनस का टू प्लस माइनस का रूट सिक्स, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, आपके सामने आपका सवाल है फिनिश। आप चेक करिएगा किस लेवल का सवाल पूछा यूपीएससी ने, ये है यूपीएससी के सवाल, इन्हें कहते हैं एनडीए के सवाल मेरे भाई। चलो फटाफट, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, गुड रेस्पॉन्स, गुड रेस्पॉन्स। इस बार जवाब रोहित सिकरवार का सही है, मानवेंद्र का सही है, राहुल सिंह सोलंकी टू किस सवाल का आंसर दे रहे हैं मेरे बच्चा? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, दैट्स नाइस, चलेगा। अगला सवाल डिस्कस करते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से, आपके सामने सवाल आया और उम्मीद करता हूं क्लैरिटी हो गई होगी। तो ये सवाल एनडीए ने पूछ लिया, आपके सामने एक और क्वेश्चन यूपीएससी का 2020। इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन फॉर यू, ग्रेट क्वेश्चन फॉर यू, ग्रेट क्वेश्चन फॉर यू, ग्रेट क्वेश्चन फॉर यू। एक बार सवाल को लिखिएगा पहले आराम से, एक बार सवाल को लिखिएगा आपसे। राहुल सोलंकी बेटा सही है आपका, मुझको लगता है इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आप लोग किसी और सवाल का जवाब देते हैं और आप शायद पीछे पीछे चल रहे हैं। शाबाश, राहुल सिंह सोलंकी का जवाब इस बार सबसे पहले आया है मेरे बच्चे। रोहित सिकरवार का भी आ चुका है, रोहित सिकरवार का भी आंसर आ चुका है। एक बार सभी लोगों ने क्वेश्चन क्लियर कर लिया, 1, 2x, 3x-1, x, x-1 और इसके बाद सब कुछ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। अब सारे के सारे बच्चों ने जवाब तो दे दिया, अब कहानी सुनो हमारी, हम क्या कहना चाहते हैं। सारे के सारे भाई देखेंगे आपका जो युद्ध है, आपका जो युद्ध है वो एनडीए के सवालों से है, और एनडीए का सवाल कैसा है आओ जरा फोकस करते हैं, दहाड़ते हैं शेर की तरह। मेरे बच्चों सबसे पहले ये देखो, आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इतना बड़ा सवाल है, देखते ही घबरा जाएगा बच्चा। सारे के सारे बच्चे पेन कॉपी बंद करके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आंखें जमा दो और मेरे चेहरे की तरफ नजर उठा लो, लुक एट मी, आपका फोकस टूटना नहीं चाहिए। और ये पेन रखा है ऐसी चुपचाप बंद कर, जल्दी, शाबाश, गुड बॉय, गुड गर्ल ऑल्सो। अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा कि यहां पर एफ माइनस वन, फिर एफ जीरो, फिर यहां पर एफ वन है, अगर मैंने आपसे बोला कि मैं f माइनस वन निकालूं, तो जहां पर क्वेश्चन में x इक्वल टू में माइनस वन रखूंगा, ध्यान से देखना माइनस वन से क्या होगा। माइनस वन यहां भी रखूंगा, यहां भी रखूंगा, यहां भी रखूंगा, यहां नजर डालो, अगर मैंने x इक्वल टू माइनस वन यहां डाला, दिमाग लगाओ भाई, माइनस वन यहां डालूंगा जीरो हो जाएगा, यहां डालूंगा जीरो हो जाएगा, यहां डालूंगा जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा कॉलम आपका जीरो हो गया। और आपको पढ़ाया गया था किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम अगर जीरो होता है तो डायरेक्ट आंसर जीरो होता है, इसलिए कहानी खत्म। तो मेरा सवाल आपसे इतना सा है कि पहले इस वाले टुकड़े का जवाब डायरेक्ट आपका जीरो हो जाएगा। अब बारी है आपके प्लस लगा करके एफ जीरो को लेकर के। अगर एफ जीरो की बात करूंगा तो मैं एक्स बराबर जीरो डालूंगा और मेरे को पूरे के पूरे सवाल में एक्स जीरो करना है। अब एक बार यहां देखो, एक बार सवाल में यहां देखो, जो क्वेश्चन आपके सामने है, अगर मैं एक्स यहां डालूंगा यहां भी जीरो, यहां डालूंगा यहां पूरा जीरो हो जाएगा, और यहां डालूंगा यहां पूरा जीरो हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी पर्टिकुलर कॉलम और कोई भी पर्टिकुलर रो अगर जीरो होता है, डायरेक्ट आंसर का जीरो होता है, और इसलिए इसका जवाब भी आपका जीरो बन गया। अब बची कहानी तीसरी वाली, एफ वन वाली। अब दो जीरो हो चुके हैं भैया, ये भी जीरो हो चुका है, प्लस ये भी जीरो हो चुका है, बची स्टोरी इसकी है, अर्थात एक्स के प्लेस पर मेरे को रखना है वन। अब जरा ध्यान देना,
वन रखने से क्या होगा, यहां रखो वन माइनस का वन कितना जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा और ये भी आपका जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर जीरो एंड क्वेश्चन इज ओवर, तीनों जीरो प्लस करेंगे, फिनिश, दिस इज द आंसर। रेस्पॉन्स करो और बताओ मेरे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। शुभम यादव, लव यू बेटा। शाबाश, बहुत अच्छा। यहां तक आपका कैसा रेस्पॉन्स है बेटा? यहां तक आपका रेस्पॉन्स कैसा है बताओ जल्दी से बेटा। चलें आगे भाई, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। रोहित सिकरवार, गोपाल बेटा बताओ यहां तक का रेस्पॉन्स आपका कैसा है? यहां तक का रेस्पॉन्स कैसा है जल्दी बताओ फटाफट, आपके कमेंट्स पढ़ता हूं भैया फोन में। लो ये रहे तुम्हारे कमेंट्स। चलिए बहुत अच्छा, चलें आगे। ओके नेक्स्ट, एक और प्रश्न है 2019 का, यूपीएससी का पूछा गया, क्या प्रश्न है आइए देखिए जरा। What is the value of determinant? कैसे सोल्व करेंगे? 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial and that. तो एक बार तो आपको पता होना चाहिए कि factorial terms क्या है. Factorial terms क्या है? Questions note करने के बाद आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे एक बार नजर रखेंगे board पर, आपके साथ हम question discuss करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले आप यहां देखिएगा, वन को हम वन लिखेंगे, फैक्टोरियल टू को हम टू लिखेंगे, फैक्टोरियल थ्री को हम सिक्स लिखेंगे और फैक्टोरियल टू को टू लिखेंगे, यहां सिक्स लिखेंगे, यहां अपन लिखेंगे 24, उसके बाद यहां सिक्स लिखेंगे, यहां 24 लिखेंगे और यहां लिखेंगे हम 120। फैक्टोरियल खोलना सबको आता होगा, फैक्टोरियल तीन कहीं भी आता है तो तीन दो और एक आता है, फैक्टोरियल चार कहीं पर भी आता है तो चार तीन दो एक आता है, पांच कहीं भी आता है, ऐसे लिखते हैं। यह है तुम्हारा फैक्टोरियल को लिखने का तरीका। और अब या तो सॉल्व कर दो या कुछ कॉमन ले लो। देखो मुझे जो लग रहा है, यहां से सिक्स कॉमन ले लो, यहां से सिक्स कॉमन ले लो, यहां से सिक्स कॉमन लूंगा तो ये बनेगा तुम्हारा 126 और ये बनेगा तुम्हारा 26 और 24 और ये बनेगा तुम्हारा 1 और ये कितना 4, ये कितना बनेगा तुम्हारा बेटा 20। अगर आप चाहें तो यहां से और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, और वो क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, 26 एंड 24 है ना, तो यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं और यहां से ले भी ले सकता हूं, तो 264 आ रही है। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचेगा, 26 यानी कि यहां बचेगा 3 और यहां 4 था तो यहां बचेगा आपका 2। अब यहां सॉल्व कर देता हूं, प्लस और माइनस और प्लस सॉल्व करूंगा तो ये तो 26 नहीं है, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा बाहर। तो अब अंदर देखो जरा, अंदर क्या होगा, यहां पर आएगा 1, 60 माइनस का 48 कितना होगा तुम्हारा 12, यहां पर आएगा तुम्हारा माइनस का 1, 40 माइनस का 24 कितना, 40 माइनस का 24 कितना बनेगा तुम्हारा 16 और लास्ट में आ रही है तुम्हारे पास में प्लस का 6। सॉल्व करेंगे प्लस के 6 को, ये आएगा 4 माइनस का 3 कितना आएगा तुम्हारा 1, तो ये है आपका 12 और 6 18, 2 बचेंगे, 12 इंटू 2 करेंगे, क्वेश्चन खत्म, 24 इज द राइट आंसर। टेंशन वाली बात ही नहीं है कोई, टेंशन वाली बात ही नहीं है कोई।
रेस्पॉन्स करो और बताओ बेटा कितने बच्चों का जवाब एकदम ओके है। राहुल सिंह 24 है, प्रीत चौधरी 24, रोहित सिकरवा 24, शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया। हरि सिंह सर मेरा IAF इंडियन एयरफोर्स में हो गया बेटा, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और आपने रिजल्ट सेंड नहीं किया है, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पर जरूर डालता, तो आपका रिजल्ट मुझे पता नहीं था मेरे बच्चे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी मेहनत आपकी लगन आपके काम आई और माता पिता का नाम आपने रोशन किया। और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आपके जीवन में और बहुत जल्दी और अच्छे मुकाम हासिल हों बेटा। चलिए बहुत अच्छा, बेहद खूबसूरत। इसके बाद हमारा अगला सवाल आने जा रहा है 2019 के अंदर ही, बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इंटरेस्टिंग गदर रोला रोला रोला, उतारो जरा। बहुत अच्छा बेटा, एनडीए 2019 का सवाल, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, देखने में आपको लगेगा चुटकियों का सवाल है, चुटकियों का चुटकियों का चुटकियों का। मैं सभी के सभी योद्धा इस सवाल को सेकंडों में फाड़ सकते हैं, चीर डालो फाड़ डालो इस सवाल को। x प्लस ए प्लस बी प्लस